सभी को नमस्कार। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान कनकमल उगर कुला महोदय, गांधी विद्या मंदिर के कुलाधिपति प्रोफेसर पुरुषोत्तमलाल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी कुलपति, प्रोफेसर सुषमा यादव कुलपति भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला हरियाणा, प्रोफेसर मनीषा वर्मा अधिष्ठाता शिक्षा संकाय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर, डॉक्टर प्रवीण शर्मा रजिस्ट्रार उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर, सभी अभिभावकगण, छात्रों, छात्राएं, भाइयों और बहनों, इस दीक्षांत समारोह के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं मानवीय मूल्यों के मुख्य उद्देश्यों के साथ साथ 2 अक्टूबर 1950 में स्थापित इस संस्था का 1955 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में शिलान्यास किया था। संस्था में श्री विनोबा भावे जी, श्री हरिभाव उपाध्याय जी, श्री निरंजन नाथ आचार्य जी, डॉक्टर श्रीमन नारायण अग्रवाल, डॉक्टर करणी सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जस्टिस बी पी वैरी, डॉक्टर एल एम सिंधवी तथा वर्तमान में प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल चतुर्वेदी जैसे मनीषियों का सहयोग एवं मार्गदर्शन कुलाधिपति के रूप में सतत प्राप्त होता रहा है। यह ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था है। संस्थान में प्रारंभ से ही ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी अध्ययन करते रहे और संस्था प्रारंभ से ही ऐसे शिक्षा दे रही है कि यहाँ से निकले विद्यार्थी ग्रामीण अंचल में शिक्षक के रूप में एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन कर रहे हैं। सरदार शहर तहसील के अधिकतर ग्रामीण विद्यालयों में एवं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से पढ़े विद्यार्थी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। मैं सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को उनके अथक प्रयासों व उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। मैं उन सभी छात्र व छात्राओं को भी बधाई देता हूँ जिनको आज यहाँ उपाधि से सुशोभित किया गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी देश के विकास में योगदान देते हुए अपने जीवन में उन्नत की ओर अग्रसर होंगे। कुलपति के प्रतिवेदन द्वारा ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय के में गत वर्ष में शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। इसके लिए मैं कुलपति व सभी कार्मिकों को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस विश्वविद्यालय को उच्च मुकाम तक पहुँचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। कृषि की महत्ता हम सभी को ज्ञात है। जीवन की 3 सबसे बड़ी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी और प्राकृतिक रेशे वाला कपड़ा कृषि से ही आता है। हमारे देश में कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में करीब 18% रह जाने का कारण यह नहीं है कि कृषि में विकास नहीं हो रहा है, बल्कि देश में विकास के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास अधिक तेजी से हुआ है, जो एक विकासशील देश में होना अवश्यंभावी है। कृषि का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी हमारे देश की 58% जनता कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जो देश के विकास का महत्वपूर्ण अंग है। कृषि से जुड़े सभी नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कसर न छोड़ें और कृषक वर्ग को आय सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान दें। स्वामी केशवानंद जी
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पर तो मरु क्षेत्र में कृषि विकास की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस क्षेत्र में अनुसंधान, नए उद्यमों व नवाचार की अभी बहुत गुंजाइश है। इस क्षेत्र में काफी कुछ किया गया है और काफी कुछ किया जाना बाकी है। वैश्वीकरण के प्रभावों से कृषि क्षेत्र छूटा नहीं है। वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए कृषि उत्पादों में गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। भारत ऐसा देश है जहां नौजवानों की संख्या अधिकतम है। इन युवाओं की ऊर्जा व समझदारी से हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज अनेक सरकारी योजनाएं आपके उद्यम को शुरू करवाने में सहायक है। आज आपके पास आपके सपने पूरे करने व मुकाम हासिल करने के अनेक अवसर हैं। बस आवश्यकता है कि आप अच्छी कार्य योजना बनाकर इन अवसरों का लाभ उठाते हुए अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ें और देश की प्रगति में भागीदारी करें। मुझे आशा है कि सभी युवा देश में कृषि क्षेत्र व किसानों की स्थिति सुधारने में महती भूमिका निभाते हुए कृषि को एक लाभकारी उद्यम बनाने में सहयोग करेंगे तथा भविष्य में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रुझान बढ़ सके। कोविड-19 की महामारी ने जीवन के परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। आज संपूर्ण विश्व इस परेशानी से जूझ रहा है व सभी पूर्ण सतर्कता के साथ इस महामारी को हराने में लगे हैं। अचानक आई इस विपदा ने मानव जात को संकट में डाल दिया है, किंतु हम सभी ने इस परेशानी का पूरे साहस से सामना किया है व हार नहीं मानी है। आज उद्यमों के नए रूप सामने आए हैं। डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है। छोटी व बड़ी सभी उम्र के लोगों ने इसका प्रयोग सीखकर काम करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े आयोजन डिजिटल तरीकों से हो रहे हैं। कोविड महामारी के समय में भी कृषि क्षेत्र में शुरू में कुछ क्षेत्रों को नुकसान हुआ, पर सरकार, उद्यमियों व कृषकों के मिले जुले प्रयासों की वजह से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इस महामारी के समय जिस तरह से ग्रामीणों को शहरों से अपने गांव की तरफ दौड़ना पड़ा, वह अत्यंत पीड़ादायक रहा। वर्तमान समय में विशेष तौर पर शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यों का ह्रास सर्वदृष्टगोचर हो रहा है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सतत रूप में मूल्यों के संवर्धन की महती आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि यह संस्था अपने प्रारंभ से ही मूल्यों के संवर्धन का पर्याय रही है। प्रत्येक मंगलवार को 1 घंटे की सर्वधर्म प्रार्थना सभा, जिसमें सहायक कर्मचारी से लेकर कुलाधिपति, अध्यक्ष, समस्त अधिकारी, कार्यकर्ता, विद्यार्थी, शिक्षक सभी एक साथ सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में नियमित श्रमदान, योगाभ्यास, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अपना परिवार एवं समय समय पर चेतना विकास मूल्य, शिक्षा प्रशिक्षण शिविर आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों में मूल्य संवर्धन हेतु यहाँ के पाठ्यक्रम में इन गतिविधियों को अभिन्न अंग के रूप में समाविष्ट किया है। यह समाज सेवा में भागीदारी से मूल्यों का संवर्धन किया जा रहा है। विद्यार्थियों में संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए संस्थान चेतना विकास मूल्य, शिक्षा, श्रमदान, गौशाला प्रबंधन, खेती तथा फसल उत्पादन एवं सेवा कार्यों का विशेष शिक्षण प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संवर्धन हेतु 1 विद्यार्थी 1 वृक्ष को विद्यार्थी की उपाधि के साथ जोड़ा है। जब किसी विद्यार्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय में होगा, तब उसे 1 वृक्ष लगाना होगा और उसकी देखभाल का संपूर्ण दायित्व
उसी विद्यार्थी का रहेगा। विद्यार्थी को उपाधि तभी प्राप्त होगी जब वह अपने अध्ययन काल में एक पेड़ लगाकर पल्लवित कर देंगे। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को केवल नाम के लिए ही नहीं अपितु काम के लिए अपनाया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षक के प्रति सदा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादों की खरीद पर जोर दिया है। यह अत्यधिक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि आज दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में कई विद्यार्थी अपनी उपाधि प्राप्त करके नए जीवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ के संस्कार का, यहाँ के शिक्षा का अपने जीवन में समुचित तौर पर उपयोग करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, जिस प्रकार से शिक्षकों ने, यहाँ के लोगों ने अपने आचरण व्यवहार के आधार पर लोगों को संस्कार प्रदान करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हुए अपने जीवन में उस संस्कार को आचरित करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि जिन प्रकार के लोगों ने इस विश्वविद्यालय के संस्थान को प्रारंभ किया, आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शिलान्यास किया, आचार्य विनोबा भावे ने इसको दिशा प्रदान की, ऐसे अनेक मनीषियों ने इसको आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस दीक्षांत समारोह में जिस प्रकार की बात हमारे श्रीमान कनक मजली ने कही है, उन सारे मंत्रों को विद्यार्थी गण अपने जीवन में आचरित करते हुए आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से भविष्य उनका सुखमय होगा और एक संस्थान का की पहचान अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से दुनिया के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत कर सकने में सक्षम हो सकेंगे। इतनी बात कहकर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद।